धारा खींच लो तो पता ही ना चलेंगे कौन बेवकूफ और कौन चूतिया है। तो ये बहुत शॉकिंग लाइन थी और ये ऊपर थी विशाल भारद्वाज के दिमाग की, वो डायलॉग राइटर थे, लेकिन जिसने पूरी पिक्चर का एक टोन सेट कर दिया कि इस पिक्चर में किरदार किस भाषा में और कैसे बात करे, और उससे ही एक समा बन गया। तो एज ए राइटर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, हमारा काम होता है कि पिक्चर शुरू होते ही ऑडियंस को पकड़ लें, ऑडियंस को गिरफ्तार कर लें, और डायरेक्टर फिर ऑडियंस को हाथ पकड़ के अपनी कहानी में ले जाए कि देखो भैया अब तुम कुछ नहीं सोचना, अब हम जो बता रहे हैं वही करते जाना। ये तब होता है जब आप ऑडियंस को शॉक करते हो, ऑडियंस ने नहीं सोचा वैसा उसको दिखा दिया, क्योंकि हर कहानी के साथ साथ ऑडियंस की अपनी कहानी चलती है जो उसके एडवांस में चलती है, क्या अब पता है वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। वो जब नहीं होता तो ऑडियंस देखने वाला शॉक्ड होता है, ये क्या होगा, और फिर वो जो डायरेक्टर दिखाता है और जो राइटर दिखाता है उसके साथ चलते हैं, और उसके साथ चलने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप जो बोलो वो कन्विंस हो जाते हैं, कि देन देयर इज नो मोर कन्विक्शन रिक्वायर्ड। वरना स्टोरी के बारे में और कैरेक्टरों के बारे में उनको कन्विंस करते करते वक्त बीत जाता है, किसी को आधा घंटा लग जाता है, किसी को एक घंटा लग जाता है, किसी को बस। ये तीन सीन में आपको पता चल गया लंगड़ा त्यागी कौन, केसीओ कौन है, ओंकारा कौन है, और भाई साहब कौन है। अब ये भाई साहब का सीन जो अभी बंद किया हुआ चल रहा था, तो करीब करीब सारे कैरेक्टर्स समझ में आ जाते हैं कहानी के, उससे कहानी के नरेशन में बहुत ही सरलता होती है, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहता देखने वाले के दिमाग में कि किसका क्या कैरेक्टर है और किसका क्या पात्र है और उसका क्या पात्र लेगा। तो यूजुअली आज हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो पहले ये जो यूजुअली कहते हैं कि पहले कुछ समय एक्सपोजिशन होता है जी, है ना, तो लेकिन इस कहानी में आपने डायरेक्टली जंपिंग किया, आप कहानी शुरू ही उस दिन करते हैं जिस दिन डॉली अगवा हो चुकी है जी। तो और ये इतना नया पूरा जो ये सारा जो स्टोरी वर्ल्ड है, जैसे आपने कहा कि ये कोई ऑर्डिनरी हिंदी फिल्म नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता है कि कहाँ है, कौन है, कैसे चल रहा है, तो उसमें एक्चुअली जानने के लिए बहुत कुछ है। और यूजुअली ऐसे फिल्मों में नरेशन का इस्तेमाल होता है कि 1975 मेरठ करके फिर बताते हैं कि यहाँ पे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी करना जरूरी नहीं समझा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्शन से ही फिल्म शुरू कर रहे हैं। क्योंकि वो जो पहला किस्सा ही है कि बारात रुकी हुई है, डोली के बारात जा रही है और बस के ऊपर से गोली चलती है और सबके मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं और उसको बोलते हैं कि डोली तो निकल गई उसके साथ, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो सब बता दिया। इतने में कैरेक्टर्स बता दिए, उनकी उनका माइंडसेट बता दिया, उनकी लैंग्वेज बता दी, और ऑडियंस को पता चल गया कि ये कहीं यूपी में हो रहा जी जी। तो इकोनॉमी ऑफ नरेशन कि एक सीन में आपने कितना कुछ बता, और मुझे लगता है जो कल मोनोटोनी के बारे में सवाल सूरज आपने पूछा था, तो जो कि आपने एक एक चीज के लिए एक एक अलग अलग सीन लिया नहीं है कि इस सीन में पता चलेगा कि ये यूपी में है। किसी भी राइटर को ये लालच होता कि कहानी वहां से शुरू की जाए जहां से डोली अगवा होती, ये बहुत ही यूजुअल बिगिनिंग था और कुछ रॉन्ग नहीं था, लेकिन उससे उल्टा किया, डॉली अगवा हो चुकी है और बारात को लूट रहे हैं, रास्ते में बारात को लूट रहे हैं, तो ये
ये टेढ़ी चाल है थोड़ी सी, जो टेढ़ी चाल है वही लोगों को पसंद आती है, क्योंकि ऐसा हमने तो नहीं सोचा। तो एज ए राइटर, स्क्रीन पे राइटर का काम यही होता है कि ऑडियंस को उसके नरेशन से आगे जाने ना दे, वो जो बता रहा है, वो जो नरेट कर रहा है, उसके साथ उससे जोड़ के चले। तो इसमें अगर आप डॉली के अगवा होने का भी सीन लगा देते तो फिर वो एक रिपीटेशन हो जाती, तो सीन में और नया कुछ मिलता नहीं। हाँ, कुछ नया मिलता नहीं था, क्योंकि बार बार उसी के अगवा होने की बात हो रही है। देखो ये पहला सीन हुआ, उसके बाद में आपने लंगड़ा त्यागी और कैसियो का सीन किया, जो गोटियाँ खेलते हैं वहाँ पे, वो उसका बाप वकील साहब, लड़की का बाप आ जाता, वो कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, अभी गोली मार दूँ। वो भाई साहब को ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऐसा था किस्सा होना है, भाई साहब बोलता है कि चला जा वापस, तेरे अगेंस्ट गवाह देने वाला बंदा दुबई से आ जा, यानी उसने बुला लिया भाई साहब। तो ये जो पॉलिटिक्स है वो सब चालू हो चुका है, तो उसमें अभी कुछ नहीं हो। तो मतलब जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आप उतना ज्यादा समय दें, नहीं, और ऑडियंस पिकअप कर लेती है, समझ जाती है, बहुत समझदार है। अच्छा, उनके इंटेलिजेंस को बिल्कुल कम नापना नहीं चाहिए, वो शायद आपसे और मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। और एक चीज, जैसे आप बाजीगर में भी करते हैं कि थोड़ा सा आप टाइमलाइन के साथ प्ले कर रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है, मतलब डॉली और ओंकारा की क्या रिलेशनशिप है, वो हमें आगे जाके एक गाने में पता चला। हाँ, तो वो पूरा गाना नैनो की मतलब सुनी हो रे, वो पूरा उनकी लव स्टोरी बता रहा है जो कि पास्ट में हो चुकी है। तो यहाँ पे भी आप सीधा सीधा एक तरह से कहानी नहीं बता रहे हो, जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज फ्लैशबैक में आ जाएगी और वो फ्लैशबैक गाने में भी आ रहा है, तो वो दोनों चीजें सर्व कर रहा है कि आपका गाना भी एक कहानी का हिस्सा हो गया उसकी वजह से। yes. क्योंकि कहते हैं ना कि एवरी स्टोरी मस्ट हैव अ ड्रामा। जी, एंड व्हाट इज ड्रामा? ड्रामा इज कॉमेडी। ड्रामा इज कॉमेडी। ड्रामा तब बनता है जब किसी को कोई चीज चाहिए और दूसरा कोई उसको देना नहीं चाहता, तो वहां जाके ड्रामा होता है। वहां जाके छीना झपटी होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ स्टोरी लाइक ओंकारा, कॉन्फ्लिक्ट के साथ। कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, लड़की अगवा हो चुकी है, अब आगे की कहानी उसके रिपरकेशन, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं, वो सारा जब आप बताते हो तो उसमें आप मेन कैरेक्टर ओथेलो को एस्टैब्लिश करते हो, आप इयागो को एस्टैब्लिश करते हो, आप केशियो को एस्टैब्लिश करते हो, आप टोली को एस्टैब्लिश करते हो, आप भाई साहब जो हैं, जो इन सब के बाप हैं सबके, उनको एस्टैब्लिश करते हो। तो विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग कहानी साथ साथ में चलती है और साथ साथ में पात्र एस्टैब्लिश होते जाते हैं, पात्र की इंट्रोडक्शन होती है। ओंकारा लिखते वक्त कोई चैलेंज था? बहुत बड़ा चैलेंज था जी। चैलेंज ये था कि 400 साल से एक क्रिस्टल का बाउल लेके लोगों ने ओंकारा लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में बनाई, तमिल में बनी, कभी मलयालम में बनी, कभी फ्रेंच में बनी, कभी इटालियन में बनी, कभी इंग्लिश में बनी। अब वो बॉल हमारे हाथ में आया है कि हिंदी में बना और हम फोड़ ना दें उसको, कि हमारे हाथ से क्रिस्टल बॉल गिर गया। बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि शेक्सपियर की कहानी लेके आप उसको बिगाड़ दें जी, यानी स्पेशल टैलेंट लगता है कि आप कैसे शेक्सपियर को खराब किया है। तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि भैया शेक्सपियर के नरेशन से, उसकी प्लॉट लाइन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अभिषेक चौबे हमारे साथ को राइटर थे, अभी तो वो डायरेक्टर भी बन गए और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। कोई एम ए विथ इंग्लिश, तो शेक्सपियर उन्होंने
को रटा हुआ है। तो जब हम लिखने बैठे तो ये डिसाइड हुआ था कि ना मैं फिर दोबारा ओथेलो पढ़ूंगा, ना विशाल और दोबारा ओथेलो पढ़ेंगे। अभिषेक चौबे का काम था कि हमारी गाइडलाइन बनेगी सर। अब उस कहानी में आगे ऐसा होता है, अब इस कहानी में नेक्स्ट स्टॉप ऐसा है, जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं ना कि बॉम्बे टू दिल्ली जाना है, तो भैया फर्स्ट स्टॉप कहाँ करेंगे, नाश्ता कहाँ करेंगे, खाना कहाँ खाएंगे जी। तो वो एक प्लॉट पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग मार्क करते हैं और वहाँ से भटकना जाए, क्योंकि लालच होती है कि यार इस कोने में भी चले जाए, ये रास्ता भी ले लें। बट शेक्सपियर का हाईवे पकड़ के उसी हाईवे पे चलते रहे, इसलिए एज ए गाइडलाइन अभिषेक चौबे थे साहब जो हमको गाइड करते रहे कि ऐसे 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 चला। तो जब भी आप किसी नॉवेल को एडॉप्ट करें या नॉवेल के ऊपर कोई स्क्रिप्ट बनाएं, ये ध्यान रहे कि उसकी जो मेन स्टोरी है, उसकी जो मेन प्लॉट लाइन है, उसके जो मेन कैरेक्टर है, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। एक किसी अच्छा राइटर ने बहुत ही अच्छा किया था।